मंडी रियासत के राजा अशोक पाल सेन का मंडी राजमहल परिसर में स्थित भवानी निवास पर निधन हो गया। वे 90 साल के थे। वे पिछले 2 सालों से शारीरिक विषमताओं से जूझ रहे थे। वहीं राजा अशोक सेन का अंतिम संस्कार ब्यास नदी किनारे पंचवक्तर मंदिर परिसर में किया गया। इस मौके पर जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सुबह 10 बजे राजा अशोक पाल सेन की अंतिम यात्रा भवानी निवास से निकाली गई। वहीं प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार मंडी के राजा का निधन होने की सूरत में उनका अंतिम संस्कार ब्यास नदी के किनारे पंचवक्तर मंदिर के साथ किया जाता है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अशोक पाल सेन का अंतिम संस्कार भी वहीं पर किया गया। आपको बता दें कि मंडी व्यापार मंडल ने अशोक पाल सेन के निधन पर शोक जताते हुए आधा दिन के लिए बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। अशोक सेन के अंतिम संस्कार के मौके पर राज परिवारों से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। अशोक पाल सेन का जन्म मंडी रियासत में राजा जोगिंदर सेन के घर 5 अगस्त 1931 को हुआ था। वे 2 साल से टांगों में दिक्कत के चलते चल फिर नहीं पा रहे थे। वे व्हील चेयर पर ही रहते थे। उनकी बेटी सिद्धेश्वरी उनके साथ रहती थी। अशोक पाल सेन कुल्लू के राजा व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के बहनोई थे। उनकी पत्नी किरण कुमारी का कई साल पहले ही निधन हो गया था। अशोक पाल सेन को वर्ष 1986 जून में उस समय राजा की गद्दी मिली जब उनके पिता मंडी के राजा जोगिंदर सेन का निधन हो गया था। हालांकि अब सरकारी तौर पर राजाओं के शासन खत्म हो गए हैं, मगर राज परिवारों की अंदरूनी व्यवस्था को देखते हुए ओमेश्वर सिंह को तिथि तय करके अगला राजा घोषित किया जाएगा। ये और कुछ नहीं।